अभी यूके की गवर्नमेंट ने कहा कि पाकिस्तानियों को फिल फौरी बाहर निकालो यहाँ से, क्या वजूहत है कि हमारा बायकॉट क्यों? तो पाकिस्तानी जो अवाम है वो अपने मुल्क को बदनाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते। बर्मिंघम के अंदर से एक न्यूज निकल कर आ रही है जहां पर वो पाकिस्तानियों का बायकॉट कर रहे हैं, कहा जा रहा है कि यूके के अंदर से पाकिस्तानियों को निकालो क्योंकि ये कोई काम धंधा नहीं कर रहे बल्कि यूके की गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बनते जा रहे। एक और कारनामा पाकिस्तानियों का, बर्मिंघम बैंकरप्ट हो गया है पाकिस्तानियों की वजह से। रिपोर्ट बताती है, बर्मिंघम कहता है कि हमारी तबाही की वजह पाकिस्तानी है। और खास तौर पे एक खास सियासी जमात जो है वो तो यही चाहती है कि बस किसी तरीके से कुछ ऐसा करें कि पाकिस्तान की जो मौजूदा जो लीडरशिप है वो डिसक्रेडिट हो। ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है, वो काम करते हैं। मैं तो कहते हूँ पाकिस्तान का मतलब था ना ला इलाहा इल्लल्लाह, लेकिन अभी उल्टा हो गया। पाकिस्तान का मतलब क्या, जो को मिलता ही खाइया। और पाकिस्तान की सूरत हाल इस तरह की, अगर पाकिस्तान बैठा हुआ है तो आज पाकिस्तान लेटा हुआ है, और मोदी के लिए ये एक बहुत अच्छा मतलब मौका है, मोदी इस मौके को ज़ाया नहीं करेगा। क्योंकि इनको काम करने तो मौत आती है, पाकिस्तानी काम नहीं कर सकते। पाकिस्तानी कहते हैं हराम का मिले जहाँ से मिले खोलो छीन लो। ये जो आप देख लो यूनान वाले ने हाथ जोड़ कर कैसे डबो दी यार, इधर से ना आओ हम मर जाओ, लेकिन हमारे मुल्क से जान छोड़ ले। वो इसी कोशिश में है कि किसी तरह से पाकिस्तानियों को वहां से दफा किया जाए क्योंकि अभी उनके पास इतने भी पैसे नहीं है कि बजट नाफिज कर सके बर्मिंघम में। क्या बोलते हैं आप देवक, रोज ब रोज पाकिस्तानियों के कारनामे सुनना आपको कैसा लगता है? वो कह रहे हैं कि पाकिस्तानी यहाँ पर आ रहे हैं, कोई कामकाज नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो यूके की जो गवर्नमेंट है उन पर बोझ पड़ता जा रहा है। तो वहाँ पर इंडियंस भी हैं, वहाँ पर और कंट्रीज से भी लोग हैं, तो उनका बायकॉट क्यों नहीं, हमारा बायकॉट क्यों होता जा रहा है? असल में ये मैंने भी पढ़ी है ये अखबार में कि वहाँ 14% जो पाकिस्तानी है ना वो काम नहीं करते, बाकी जो बांग्लादेशी है, इंडियन है, दूसरे मुल्क है, वो काम करते हैं, वो ज़्यादा काम करते हैं। वो यहाँ से जो जाते हैं ना हमारे पाकिस्तानी, वो काम नहीं करते, पढ़ने के लिए स्टडी वीजे के लिए जाते हैं, वहाँ जाकर वो जॉब कर रहे हैं लेकिन करते नहीं हैं। हाँ, ये बिल्कुल हमने भी पढ़ी है। और ये ट्रेंड चला कि हम वैसे भी आलसी मुल्क हैं, भिखारी है, वो कहते हैं चलो भीख से वहाँ भी कुछ मिल जाएगा, भीख मांगने चले जाते हैं कि चलो यहाँ आए कोई भीख से मांग जाए मान जाए, इस पर वो उनको मिलता है गुजारा अलाउंस बरतानी हुकूमत देती है लोगों को जो बेरोजगार होते हैं, वो कहते हैं चलो इसे गुजारा चला लेते हैं, ठीक है जुगाड़ लगा लेते हैं, जब जुगाड़ लगता है लगाएं, जब नहीं चलो वापस से पाकिस्तान चले जाएंगे। बल्कि पाकिस्तान उन्हें क्या करना है, आकर वो कहते हैं चलो भीख मिल रही है खा रहे हैं, बस हम शुरू से असल में हैं भिखारी कौम, पाकिस्तान है ही भिखारी, हम उधर भीख मांगते हैं, उधर से भीख मांगते हैं, कभी अमेरिका से, कभी यूएई से, कभी सऊदी अरब से भीख मांगते हैं, ठीक है कभी बरतानिया से भीख मांगते हैं, भिखारी कौम है। और हकीकत बात यह कि हम वाकई भिखारी हैं, हमें काम करने की आदत नहीं है। सीधी बात तरफ हम देखते हैं कि हमारे मुल्क के ये हालात आ गए हैं, हम गवर्नमेंट पर इल्ज़ाम देते हैं कि गवर्नमेंट कोई काम नहीं कर रही, गवर्नमेंट ये नहीं कर रही, गवर्नमेंट वो नहीं कर रही, क्या गवर्नमेंट वाकई में कसूरवार है कि हम ज़्यादा कसूरवार हैं? नहीं, गवर्नमेंट तो 50% कसूरवार, 75% हम खुद कसूरवार है, 75% हम खुद कसूरवार, इसलिए हम खुद नहीं काम करना चाहते। आप किसी सरकारी इदारे में चले जाएँ, वहाँ 10 बंदे बैठे तो 2 काम करने और 10 खाली बैठे होंगे, काम ही नहीं करते, ठीक है करेंगे भी नहीं तो एक आध काम करेंगे और सारे दिन टरका के चाय पियेंगे, इधर से वो जा रहे हैं तनख्वाह ले लेते हैं, काम नहीं किया, एक टके करता जहाँ जेब गर्म की जिसने उसका काम कर दिया, बाकी जाओ यार कल आना परसों आना, वापटा में चले जाएँ, एक्साइज में चले जाएँ, इनके टैक्स में चले जाएँ, पुलिस में चले जाएँ, जुडिशरी में चले जहाँ भी चले जाएँ। हमारे मुल्क का ये सबसे बड़ा अलमिया है कि हम दूसरे के पास यार ये ले लो यार दार पर काम कर दो, वो कह रहा है ठीक ले आओ कर लो, तो ये अलमिया है। हम लोग काम नहीं, हम सीधी सी बात है, हम काम चोर लोग हैं, हमारा गुजारा कि हम कहते हैं कि यार मुफ्त की रोटी मिल जाए, मुफ्त का पैसा मिल जाए, करप्शन का पैसा मिल जाए, आराम से हम खाते रहें, अगले 2-4 नस्लें भी खाते रहें, छोड़ो पाकिस्तान को बेचो और चलो अमेरिका, चलो लंदन में जाकर बैठ जाओ, एयरपोर्ट भेज दो, रेलवे भेज दो, PIA भेज दो, जो सब कुछ रोड भेज दो, सब कुछ भेज दो, गंदम भेज दो, सब कुछ भेज दो, लेकिन ये कि डॉलर लो बर्बाद चले जाओ। पहले ये था मुशर्रफ आया था, जल्दला अल्लाह ने जल्दला दे दिया, डॉलर मिल गए, उसके पहले ज़ियाल हक था, उसने रूस को टुकड़े किए और हमें डॉलर मिल गए, ठीक है। उसके बाद जनाब अभी जो है ये हमारे शुभाष शरीफ साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि यार कहीं से डॉलर ले आओ, बस चीफ ने गया, चीफ जाकर मिनते कर रहा उसकी यार थोड़े से डॉलर दे दो, थोड़े से डॉलर, हम डॉलर मांगते हैं, भीख मांगते हैं, और जब खा लेते हैं फिर भीख मांगना शुरू कर देते हैं। अब वो काम तो वो नहीं करते क्योंकि इंग्लिश उनको नहीं आती, स्किल लेबर वो नहीं है, एजुकेशन उनके पास नहीं है, तो आप उससे अंदाज़ा लगाएं कि वो तो फिर मुल्क का बेड़ा गर्क ही करेंगे ना, वो घर में फिर बैठ के खाना खाना खाना, और गवर्नमेंट सिर्फ पैसे ही देती रहे, काम उनको करना नहीं है, 2-2, 3-3 साल तक वो कोई काम ही ना करें तो उसका मतलब क्या है? फिर वो मुल्क हो, शहर हो, कोई कंपनी हो, हर चीज़ को डिफॉल्ट तो होना होता है, एक हद होती है। और बर्मिंघम तो सिर्फ एक शुरुआत है,
यूके में अगर आप देख लें, लीबिया, इजिप्ट, अल्जीरिया, मोरक्को, सीरान, लिबनान, इराक, ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे मेजॉरिटी में ये सारे लोग इस इन मुल्कों के लोग चाहते हैं, मेजॉरिटी की अगर बात करो, ठीक है। तो अब आप आगे जाकर नाइजीरिया भी है उसके अंदर, साउथ सूडान वगैरह भी आ जाता है, बट मेजॉरिटी ये सारे लोग हैं। तो अब आप ये सिर्फ यूके के एक शहर में नहीं है, आप लंदन के हालात देख लें। लंदन में माशाल्लाह हमारे मेयर भी पाकिस्तानी है, तो उन्होंने भी काम बहुत अच्छा किया है कि अब लंदन में रात में गोरे ही नहीं निकल सकते अपने ही शहर में। ये हमारे कारनामे, चाहे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों के कारनामे वो हैं, लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभलती। हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की अभी तक 10 साल हो गए उनको, उनके खाने पीने पर पता कितना खर्चा होगा, अंदाजा लगाएं कितना होगा। मैं आपको बताता हूँ, मैं अंदाजा लगा के क्या लगा था। मैंने एक खबर पढ़ी थी अखबार में बड़ी पुरानी, कि इंडिया का जो चीफ आर्मी स्टाफ रिटायर था ना इंदिरा गांधी के दौर में, तो वो रिटायरमेंट के बाद गया उसके पास कि जी मुझे एक प्लाट दे दो घर के लिए, मेरा घर नहीं है। तो उसने कहा कितने ऐसा नौकरी किया जी, 32 साल नौकरी किया। कहते 32 साल मुराद ली है, कहते ली है, गाड़ी ली थी, ली थी, हर चीज़ मिला था। कहते अभी क्या लेने आयो, 32 साल तो अयाशी की है, अभी क्या लेना है, अभी इसी पे पेंशन मिल रही है ना, मेरा इसी पर गुजारा कर। क्या कैसा निजाम है आपको मैं बताता चलूं कि उनको 10 साल में उनका खाने पीने का खर्चा जीरो है, एक रुपए भी नहीं आया, और जो खर्चा करते हैं वो अपने अपनी इनकम से करते हैं, अपनी सैलरी से करते हैं। और हमारे यहाँ पर जो प्राइम मिनिस्टर होता है हेलीकॉप्टर में नाश्ते जाते हैं नथिया गली, बिल्कुल जाते हैं हेलीकॉप्टर में नाश्ते जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि मैं जी कहते हैं इनके पास इतना दौलत कहाँ के, इधर से उठते हैं सुबह लंदन पहुँच जाते हैं, वहाँ से उठते हैं लंदन पहुँच जाते हैं, और वहाँ भूखी मारे आम आम करोड़ों की डॉलरों की कर्जाई हो गई है, और लंदन के लिए आ जा रहे हैं, उनके लिए इतना पैसा है। बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सीधी सी बात करते हो, हमारे मुल्क जो है ना, यकीन करो अंग्रेज को 10 साल के लिए उधार पर दे दो कि यार 10 साल के लिए ठेके इसको सीधा कर दो, खुदा कसम वो सीधा कर देगा। अच्छा अंग्रेज को वापस दे दें, अंग्रेज को दे 10 साल के लिए इसको सीधा कर दो, ठीक है, वो इसको बिल्कुल सीधा कर देगा। सर हिंदुस्तान ने तो अपना मुल्क को संभाली, हमसे संभाला नहीं जा रहा। नहीं हमसे संभाला गया, हम तो पहले शुरू से बदनाम है, शुरू से चोर, हम भिखारी जो है, जब से पाकिस्तान बना हम भिखारी लेकर, अयूब खान ने भी कर्जा लिया, उसके बाद जितने भी यहाँ सब कर्दे पर चलते आ रहे हैं। आज तक कोई डैम बना, उन्होंने 500 डैम बना लिया, हमारे से कोई बना डैम, हमारे से कोई बिजली की ऐसी चीज़ बनी, हम बस उधर से मांगे इधर से मांगे। यही काम सर, कैसे आप लोगों ने जानी अंकल की राय, ये कह रहे हैं कि जब तक हम अपने पाँव पर अपने जिम्मेदारियाँ नहीं हो सकते, नहीं हो ही नहीं सकते। ये कह रहे हैं कि हम कोई अब सर उम्मीद पर दुनिया कायम है, उम्मीद रखनी चाहिए, हमारा मुल्क है, उम्मीद अगर हटा देंगे तो कैसे डेवलपमेंट। आप एक चीज़ कर लें कि जो खाने पीने की इशू है ना, सिर्फ इसको सस्ता कर दें। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तानियों को फ्री का खाने की आदत है, और दोस्तों मुफ्त के खाने के लिए अपने देश को भी वो गाली देते हैं, और दूसरे देशों में जाकर अपने देश की ऐसी बेइज्जती कराते हैं कि पाकिस्तानियों को आज पूरी दुनिया से जूते पड़ रहे हैं। दोस्तों अभी तक इंग्लैंड में पाकिस्तान के कुछ अमीर लोगों को एंट्री दी जाती थी, और दोस्तों आज ये हालत हो चुके हैं कि जिनको भी यूके में एंट्री मिले वो आज फ्री का खाना खा रहे हैं। यूके की सरकार का एक रूल्स है, जो यूके में पैर रख देता है उसे जॉब नहीं मिलती तो वहाँ की गवर्नमेंट उसकी पूरी जिम्मेदारी लेती है, और जब तक जॉब नहीं मिलती तब तक उसे हर महीने कुछ पैसे मिलते हैं, और रहने के लिए बिना किराया वाला घर भी देते हैं। अब पाकिस्तानी यूके का कैसे भी करके वीजा बनवा लेते हैं, इसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं, वहाँ की सरकार तो मुफ्त में सब कुछ देती है, और ये लोग कुछ काम नहीं करते और आवारागर्दी करते रहते हैं, और इन्हीं कामचोर लोगों की वजह से आज यूके का एक शहर डिफॉल्ट करने जा रहा है, उसका बजट पूरी तरह से बिगड़ गया, और आज यूके की सरकार ने फैसला लिया कि वो जो पाकिस्तानी वहाँ पर कुछ काम नहीं करते उसे वो पाकिस्तान वापस भेज देंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।